पता आप लोगों को गाइज की ये जो तीन महीने हैं ये आपके पास मई जून जुलाई यही तीन महीने डिसाइड करेंगे कि, कि इस साल आप आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी आर क्लर्क में जॉब ले पाते हैं देखिए बहुत से स्टूडेंट्स जोश जोश जो में जनवरी आता है फरवरी आता है पढ़ते हैं मजा लगाते हैं पढ़ते हैं कि भाई अब इस बार क्रैक कर लेंगे देखते हैं नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं इतना टाइम पीरियड निकल गया बट कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिला किसी भी बैंक एग्जाम का अगर मैं देखूँ मेजर वैकेंसी के साथ जो मेजर बैंक है बट हमें यह मालूम है कि अगस्त से प्रीलिम्स एग्जाम शुरू हो जाएंगे अब स्टूडेंट्स क्या करता है पढ़ता तो बड़े जोश से है उसके बाद धीरे धीरे उसका मोरल डाउन होने लगता है कि यार अभी नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम शुरुआत करेंगे और वो यही गलती कर देता है ठीक है आज आप लोग सोचेंगे यार इनको ये आए हैं पेड प्रमोशन करेंगे चले जाएंगे सुन लो पहले शुरू से लेकर एंड तक मेरी बातें सुन लो तो एंड तक मैं सब चीज फ्री में आपको बताऊंगा क्योंकि एक स्टूडेंट जब तैयारी करने बैठता है या कर चुका होता है तो वो क्या ढूंढता है कि सिस्टमेटिक वे में उसको हर एक, एक चीज मिल जाए अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो पजल प्री लेवल की पजल्स मेन्स लेवल की पजल्स में उसको दिक्कत होती है साइड रखते हैं तो इसका भी समाधान लेके आए हैं क्वांट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को स्पीड एंड एक्यूरेसी में प्रॉब्लम होती है सबसे खतरनाक उन लोग को लगती है खतरनाको डी आई नहीं बन रही हम लोगों से इसका भी समाधान लेके एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों तुम लोग हमेशा एक इस चीज को अपने गांठ बांध के दिमाग में रख लो कि पढ़ाई कभी खत्म नहीं होनी है ठीक है ना सोच रहे होगे ना कि यार खत्म तो कर लिए एक बैच खत्म कर दिए फलाना टीचर का तो बस मेरा हो गया है मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा नहीं ऐसा कभी नहीं होता है मैथ्स कभी खत्म नहीं होती रीजनिंग कभी खत्म नहीं होती खत्म होती है तो क्या होती है आपकी ठीक है तब आप जब तक जॉब नहीं लगती आपको प्रैक्टिस 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 करनी पड़ेगी ठीक है ना चलिए तो अब बात को बढ़ा ना बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं एक चीज दिखा देता हूँ चलिए अब ये देखिए सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पेन्स से शुरुआत करते हैं तो अगर आप मेन्स लेवल के डेटा इंटरप्रिटेशन को सीखना चाहते हैं तो मीनाक्षी मैं मैं प्ले लिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन एज वेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है एक स्टूडेंट यही तो ढूंढता है कि सिस्टमैटिक वे में वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन करके टोटल टोटल आपके सामने देखा जाए थर्टी वीडियो पड़े हुए हैं मेन्स लेवल डी आई के आप इसको खत्म करो अगर आप इसको खत्म कर रहे हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस तुम्हारा हो गया सिलेक्शन नहीं इसके बाद भी तुम्हें लगे रहना है जो अपडेटेड कंटेंट मैम प्रोवाइड डेली बेसिस पे दे रही है उनको देखो दूसरी बात बेस्ट प्लेलिस्ट आपकी है ये बैंक की स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए मींस ये टोटल टोटल देखा जाए तो प्रीलिम्स लेवल को मैम ने टारगेट यहां पे किया हुआ है तो प्रीलिम्स में ही स्पीड चाहिए होती है तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देखो क्वांट के लिए बड़ी बेहतरीन प्लेलिस्ट है Variable based BI, जो कि 2023 के हर मेंस एग्जाम के एस पीओ तक की आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है इसके बाद मैं आपके बात Complete bank, zero भाई ये तो आपसे यही बस बोलूंगा कि आप uh, 2022 में जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए आप किसी से भी पूछो कि मैम की जीरो टू देखी देखिए क्या बिल्कुल देखिए भाई तो एक बेसिक से लेके हाई लेवल के क्वेश्चंस बस आपको ये देखना देखो यहां पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर आपको

इंसान को स्पीड नहीं दिखती यार कि मैंने दस सवाल लगा डाले लेकिन मेरी स्पीड नहीं आ रही है बट क्या पता उस बारहवें सवाल से आपको लगेगा कि हाँ यार, बन रहे हैं सवाल से बनने लगेंगे लगाएंगे लगाएंगे यार मजा आ गया बनने लग गए ये चीज आपकी होनी चाहिए मोटिवेशन ना डाउन हो बिल्कुल भी, भी आपका यही तीन महीने में बार बार बोला यही तीन महीने आपको सिलेक्शन दिलाएंगे आपके आरआरबी पीओ एज वेल एज क्लर्क में चाती सर अब आपने प्री पढ़ लिया सर मेंस के लिए देखिए अब मेंस के लिए मैं मिडनाइट वॉरियर टू रिकमेंड करूंगा उन स्टूडेंट्स को जो अपना टारगेट रखें एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ लेवल की और गट्स रखते हैं कि नहीं यार मेंस लेवल का चाहे जितना टफ क्वेश्चन आए आई विल एंड आई कैन मैं कर लूंगा बस दैट्स इट आगे देखो यहां पे बात करते हैं मिडनाइट वॉरियर 3 की सेम मि...

आप लोग जान नहीं रहे हो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई जान लगा दो यही तीन महीने मैं बार बार बोलूंगा कि यही तीन महीने आपकी नौकरी को डिसाइड करेंगे कि आप क्यों बन रहे हैं या नहीं बन रहे कि अगले साल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं बाकी आपने ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको चाहिए कि नहीं यार मेरा वीडियोस में बहुत टाइम जाता है

अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते प्री में कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न वाली नहीं आती कोडेड पजल नहीं आते प्री में पता चल गया अब लगाओ सवाल अच्छे से वैसे ही प्रीलिम्स ये सारे मॉड्यूल हैं जो आपके प्राइम पीडीएफ में दे रहे हैं अगर आप वीडियो से नहीं सीखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि हाँ भाई हम भैया पीडीएफ बंडल से कर लेंगे तो गो फॉर इट क्योंकि ईद का ऑफर चल रहा है ऑफर में बिल्कुल बनता है कि आप परचेस करेंट से यही बस कहना चाहूंगा आप लोगों से अच्छी प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है सारी ये जितनी भी मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको बताई है एक बार इसको कंप्लीट करिए मैं इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दूंगा और बेस्ट ऑफ लक याद रखना रोहित सर ने बताया यही तीन महीने मई में, जून जुलाई दैट सेट रगड़ डालो अपने आप को प्रैक्टिस कर करके कि भैया कोई मौका नहीं छोड़ना हमको ठीक है चलिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर